आज मैं आई हूँ शांति स्तूपा, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और ये इंद्रप्रस्थ पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो आओ दर्शन करते हैं। तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन से वॉकिंग डिस्टेंस में भी आप आ सकते हो, और अगर आप ऑटो से आते हैं तो ऑटो वाले आपको यहाँ छोड़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बस स्टैंड भी है, और यहाँ पर ना 3-4 गेट्स है, उनमें से जो मेन गेट है वहीं से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। यानी ये जो है ये हमारे यहाँ का मेन गेट है। तो एंट्री करते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर पार्किंग भी है, ये देख सकते हो, ये रहा पार्किंग एरिया, आपको यहाँ पे पार्किंग करने को मिल जाएगा। तो यहाँ की टाइमिंग वगैरह है और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, आप देख सकते हो इजीली। ये देखो ये। सिर्फ पार्क ही नहीं, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्तूपा भी है। तो पहले आपको स्तूपा दिखाती हूँ, उसके बाद पूरा पार्क दिखाती हूँ। यार ये स्तूपा बहुत ही बड़ा है, मुझे लगा था छोटा मोटा होगा, क्योंकि मैंने जब फोटोज वगैरह में देखा है ना तो काफी छोटा लगा था, बट ये तो काफी बड़ा है यार। और मैंने सुना है कि जो ओरिजिनल वाला है, जो मेन स्तूपा है, वो लद्दाख में है। मेरे को इस पार्क में आने का बहुत ज़्यादा मन था बहुत टाइम से, क्योंकि मैंने ना एक बार एक दीदी की फोटो देखी थी लद्दाख में, उन्होंने ये स्तूपा में फोटोज खींची थी। उसके बाद से मेरा मन था कि मुझे लद्दाख जाना है, फिर मुझे पता चला कि यार दिल्ली में भी सेम टू सेम स्तूपा है। फिर मैंने सोचा कि यहीं आती हूँ, पहले यहाँ पे अपनी शौक पूरी करूंगी, फिर जाऊंगी लद्दाख किसी दिन। तो एंट्री करने से पहले हमें जूते उतारने होते हैं, क्योंकि एक मंदिर है तो उतारते हैं, फिर ऊपर की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा है, इतना बड़ा है मुझे पता ही नहीं था। पत्थर है ना यहाँ का, ये बहुत आकर्षित करता है लोगों को आने के लिए, क्योंकि ये सफेद, ये सब जो कलर्स होते हैं ये शांति के वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्रतीक। तो ये जो स्तूपा है ये शांति का प्रतीक है, और ये हमारे देश के काफी जगहों में बनाया गया है, और उनमें से एक दिल्ली भी है जहाँ पर मैं आई हुई हूँ। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा सफेद रंग आपको दिख रहा होगा, ये संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। सफेद जो रंग होता है ये शांति का प्रतीक भी होता है, इसलिए ये पूरी जगह जो है ये सफेद रंग से बनाई गई है। ये जो देख सकते हो बाहर से पूरा व्यू दिख रहा है। यहाँ पर जब जब बुद्धिस्ट लोगों के लिए कोई स्पेशल डे होता है तो वो प्रेयर वगैरह या पूजा बोल सकते हैं वो भी करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों स्तूपा के बिल्कुल साइड में मुझे बहुत ही सुंदर पार्क दिख गया है। वैसे तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, बट अगर ध्यान से देखोगे ना, ये देखो ये छोटे छोटे स्टैचूज वगैरह जो भी डिजाइन बनाए हैं, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अंदर जाना अलाउड ही नहीं है, क्या फायदा है फिर। यहाँ पर बिल्कुल सामने एक प्यारा सा गार्डन है, लेकिन यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। ये देख सकते हो कितना प्यारा फाउंटेन जैसा कुछ बनाया हुआ है,
पानी तो नहीं है बट बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे तो प्रवेश निषेध है लेकिन अंदर का व्यू दिखा देती हूँ। ये देखो ब्रिज कितना प्यारा लग रहा है और अंदर भी बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है लेकिन यहाँ पे हमें अलाउड नहीं है। बाकी यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो स्तूपा के पीछे भी कुछ ऐसा जगह बना हुआ है, शायद ये यहाँ के मैनेजमेंट करने वाले लोगों के लिए बना होगा। यहाँ पर काफी पहाड़ी टाइप जगह भी है, यहाँ पे ऐसे फूल चढ़ाया हुआ है। आई थिंक ये कुछ तो होगा बुद्धिस्ट रिलीजन में, क्या बोलते हैं इसको। प्लीज अगर कोई देख रहा है व्लॉग तो प्लीज बताना, और अगर किसी और को भी आइडिया है तो प्लीज बताना। यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, ये देखो, पता नहीं समझ नहीं आया बट। देख सकते हो कितनी प्यारी नक्काशी यहाँ पे बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है ये देखो। तो यहाँ पर स्तूपा के साथ साथ बहुत ही बड़ा एरिया है पार्क का, और साथ ही साथ यहाँ पर एक कैंटीन भी है और बच्चों के लिए पार्क भी है। तो आप यहाँ पर इजीली आकर पिकनिक वगैरह भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ तक देखा है यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन चीज़ों के लिए। आप आराम से अंदर के खा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, घूम सकते हो, और टिकट प्राइजेस वगैरह भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस जो प्राइस लगेगा वो सिर्फ पार्किंग का लगेगा, बाकी सब कुछ फ्री है। तो दोस्तों यहाँ की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो ये देखो भाई, ये है बच्चों का पार्क जहाँ पर बच्चे लोग खेलते हैं, और पीछे यहाँ पर कैंटीन भी है, पर यहाँ पर थोड़ा सा मेनटेन नहीं किया हुआ है अच्छे से। देख सकते हो टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई, थोड़ी बहुत सफाई वगैरह ज़्यादा करी नहीं है यहाँ पर। बट ओवरऑल जो पार्क है वो मेरे हिसाब से अच्छा है, घूमने लायक है। क्योंकि सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि स्तूपा दिल्ली में भी है। जो स्तूपा मैंने लद्दाख में देखा था, मतलब लद्दाख में किसी की फ़ोटो में देखा था, उसके बाद से मेरा वहाँ जाने का बहुत मन था, बट फाइनली मैं यहाँ पे आ गई। ये हमारा कैंटीन एरिया, कुछ हमने ऑर्डर किया है खाने के लिए, पहले खाते हैं फिर घर की तरफ चलते हैं। देख सकते हो आप बहुत ही सुंदर पार्क है, यहाँ पे पूरा खुला एरिया है, बेंचेस वगैरह भी लगे हुए हैं, कुछ लोग धूप सेक रहे हैं आराम से, और साइड में यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है, शायद निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है ये। जो बीच ये देख सकते हो पत्थरों से कुछ डिजाइन वगैरह बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये सब। ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, ये तो थोड़ा हम आगे आ गए हैं और बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, भीड़ बहुत ज्यादा, लोग धूप से के जा रहे हैं।